अभी देखो मेरी एक बात सुनो, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल का एडी और एएस से, जहां पे वो आपको कहेगा ये एक कोई फॉर्मूला है सी बार सी प्लस वाई और बी से ये मल्टीप्लाई होता है। डन। आप लोगों ने भी इसको एज इट इज ऐसे ही रट लिया। कैसे रट लिया सर? ये जो है ना, ये सर ये ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस कंजप्शन है सर। पहली चीज आपको ये रटवा दी गई है सर। दूसरी चीज में आपको ये बोला गया है, ये जो वाई है, वाई है आपकी इनकम, और सर ये जो है, ये है आपका एमपीसी। आपको ये बता दिया गया, आप इसको यूज करके बहुत बखूबी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हो। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसका वेरिएशन कर लूंगा, थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा, उससे नहीं आपको रटना नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए पक्का भी हो जाएगा और आपको सेंसिबली समझ में भी आएगा। हो सकता है इसके बेसिस पे अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आए तो आप वो भी बता सकते हो। देखते हैं जी सर, ये है क्या? सर ये है क्या? चलो जी सर देख लेते सर। सबसे पहले चीज, हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि जब हमारी इनकम जीरो होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बार सी। पहली बात, इसका मतलब सर इनकम जीरो होने पे भी, इनकम जीरो होने पे भी मेरा कंजप्शन क्या आएगा? पॉजिटिव। पहली बात, अरे पहली बात डन। आपको यही चीज इसी तरीके से एग्जाम में दिख देनी है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी आदमी इनकम अगर जीरो कमाएगा उस केस में भी वो कुछ ना कुछ पैसा खर्च जरूर करेगा और उसका कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब जरा इसको इस इक्वेशन में देखते हैं, इसको इस इक्वेशन में देखते हैं। अब जरा इस इक्वेशन में अगर मैं इसको फिट करूं तो जरा देखो, सी और ऑटोनॉमस कंजप्शन कुछ तो होगा, मैंने मान लिया 40, और सर मेरी इनकम अगर जीरो है, जीरो जीरो इनकम है तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आया? 40। इसका मतलब कंजप्शन क्या है? 40। सही बात है, केस ऑफ अ जीरो इनकम। पहली बात प्रूफ कर दिया आपने सर, मैंने ये और ये प्रूफ कर दिया। अब अगली दूसरी चीज, द सेकंड थिंग इज, आपकी इनकम और आपके कंजप्शन में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब सर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या डिनोट करता है? वो कहता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन मीन टाइम में धीरे 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 हमने कहा था कि पुअर रिच की तरफ जाता है जैसे जैसे इनकम कमाने लगता है, और इनकम का नेचर हो जाता है कि इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और कंजप्शन कम तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब सर ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये 20% से बढ़ रहा है तो हो सकता है ये 15% हायर रेट से बढ़ेगा। तो सर मुझे दूसरी बात भी ये कंक्लूड हो गई, दूसरी बात भी कंक्लूड हो गई कि सर आपने मुझे दो बातें बताई थी। पहली बात आपने बताई थी एपीसी और दूसरी बताई थी आपने एमपीसी, ये दो बातें बताई थी। लेकिन सर आपने यहां पे बी को एमपीसी बोला हुआ है, आपने यहां पे बी को क्या बोला? एमपीसी। सर एपीसी नहीं बोला, एपीसी इसलिए नहीं बोला है क्योंकि एपीसी आपके पास्ट इनकम को प्रोपोर्शनेट करके एवरेज करके बताती है, लेकिन एमपीसी कौन सी इनकम लेती है? एडिशनल इनकम जो हमने अर्न करी, और ये इक्वेशन एडिशनल इनकम को लेके बता रहा है कि जब आप जीरो कमाते थे तो इतना खर्च करते थे, लेकिन जैसे ही आप 100 रुपए कमाओगे 100, तो अब देखो जरा इक्वेशन में, सर जब मैं कुछ नहीं कमाता था तो मैं 40 खर्च करता था, लेकिन जब मैं 100 रुपीज कमाने लगा तो सर अब आपका एमपीसी बताएगा ना एडिशनल इनकम। अरे जीरो से 100 पे जाना, दैट इज एडिशनल इनकम, 100 से 200 पे जाना एडिशनल इनकम, तो अब आपका एमपीसी कितना है? मैंने मान लिया मेरा एमपीसी है 0.8, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 से, तो सर ये कितना आ गया? 40 + 80 कितना आ गया? 120। समझ में आया? अब आपको अपने एग्जाम में जाके अगर ये एक्सप्लेनेशन पूछे इस इक्वेशन का तो आपको यही दो लाइन लिखनी है, पहला जीरो इनकम पे भी पॉजिटिव कंजप्शन होता है, इसीलिए यहां पे हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन दे दिया कि चाहे तुम जीरो भी कमाओ तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ आएगा, और दूसरे में हमने लिया कि हम एडिशनल इनकम को कितना कंज्यूम करते हैं,
इसीलिए हमने अपने एडिशनल इनकम को उसके एमपीसी से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। बोलो जी समझ में आया, ये वाली इक्वेशन अब आपकी पक्का खत्म। अब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसके बेसिस पे आएंगे, आप उसको कर दोगे। देखो जी पहली बात, अभी आपने सीख लिया कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन, बहुत अच्छा समझ में आया। अब सर अगर मेरे से कोई बोले कि सर सेविंग का फंक्शन सिखा दो तो मैं नहीं सिखाऊंगा। अब आप कहोगे सर क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपने जितना पैसा अर्न किया और अगर सारा खर्च कर दिया तो क्या कोई सेविंग होगी? नहीं, तो सिर्फ सेविंग फंक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा अर्न किया, वाई इनकम, और आपने उसमें से खर्च किया थोड़ा सा पैसा, तो जो बचा होगा वो क्या होगा? सेविंग। देखो जी आगे सर, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला हमने किया हुआ है, और सर ये तो जेंटलमैन फॉर्मूला भी हुआ, ये तो बचपन से हमें आना चाहिए। हाँ जी आता होगा आपको, आता होगा। अगर आता होगा तो क्या अभी अभी आपने C का फॉर्मूला नहीं देखा है? क्या था बताना? C बार प्लस YB बी स्टैंड फॉर MPC। यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर वन देके इसको यहाँ पे पुट ना कर दूं? कर सकते? हाँ जी सर कर सकते। तो S इक्वल्स टू वाई, ये माइनस हो जाएगा, माइनस मैं बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं, बार सी प्लस वाई एमपीसी। अब इसको खोल ले, अब ये खोल के कैसा दिखेगा? एस इक्वल्स टू वाई माइनस बार सी माइनस वाई बी। सही, तो सही इक्वेशन बन गया, दिस इज द इक्वेशन। तो सर एक चीज और देखो, उसके बाद सर सर कर लेना, ठीक फिर कर लेना सर। देखा इस साइड कुछ कॉमन सा लग रहा है क्या? हाँ, वाई, 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 वाई तो हमेशा ही सवाल लग रहा है, वाई वो तो है ना, वो तो एक्स, एक्स। अच्छा एक्स से सवाल हो, सॉरी ये माइनस सी को मैं यहाँ पे रख दूँ क्या? हाँ और ये वाला वाई यहाँ पे प्लस का है कि माइनस का है? प्लस। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्लस का वाई, और ये माइनस का वाई, और ये भी ऐसे ही रहेगा ना, डन पक्का समझ में आ रहा है? देखना जी, तो अब ये एस इक्वल्स टू माइनस सी बार, इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई, तो मैं वाई को बाहर ले लू। हाँ सर, यहाँ क्या बच जाएगा? वन माइनस बी। लो जी एक और बन गया डेरिवेशन है। चलो जी अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, बंद कर दो, समझना था सर। क्या आपने अभी एक फॉर्मूला किया है एपीसी का? अरे बोलो ना, एपीसी का फॉर्मूला क्या था? अरे बिना देखे बोल रहे, नलायक बच्चे हो क्या सर? एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन। ये इसका रिलेशनशिप किसके, आपके कंजप्शन का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? इनकम, इनकम के साथ। तो सर इसका फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन वाई वाई पक्का? हाँ। अगर मैं आपसे अगला बोलूं सर एम पी सी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एम का मतलब क्या है? मार्जिनल, मतलब मार्जिनली आपने जितना कमाया और जितना आपने खर्च किया, तो मार्जिनल का हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। पक्का ना? यस सर। साथ में रहना, मैं छोड़ के नहीं जाना अभी। अच्छा सर अगर मैं आपसे ए पी एस का फॉर्मूला पूछूं तो सी अपॉन वाई। हट, अरे एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। सोचो अगर इस क्वेश्चन में या इस कंसेप्ट में ये लोग अगर इनकम को एक्स वाई से डिनोट ना करके एक्स से डिनोट करते तो कैसा लगता है? कि सबके नीचे कौन खड़ा है? एम पी एस सर। या तो आपका ह्यूमर कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा डालता है सर। इधर वीडियो, अच्छा वीडियो, चलो चलो आप यहाँ पे बताओ, वीडियो में लिख देंगे, बताओ क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा मुझे चारों का मतलब पता है? अरे क्या मुझे इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर चारों का मतलब पता है? नहीं पता है? अरे बोलो ना, मुझे सर इसका पता है। क्या पता है? इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो। किसका रेशियो? ये कंजम्पशन और इनकम का। ये किसका रेशियो? सेविंग, सेविंग और इनकम। ये किसका रेशियो? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन सेविंग, इनकम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जितना पैसा अर्न करते हो वो दो चीजों के इक्वल होता है। किसके? सी प्लस एस, सी प्लस एस। बोलो हाँ या ना? हाँ पक्का?
ये तो आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। अगर मैं अपना सारा पैसा कंज्यूम कर दूंगा तो, अगर मैं अपना सारा पैसा खर्च कर दूंगा, सेविंग नहीं होगी तो ये तो नहीं बोला जाएगा। अरे एक हाइपोथेटिकल केस लो ना जी, तो आप लोग ले नहीं पाते हो, केसेस भी नहीं ले पाते हो। कल वो बच्ची केस लेके आई है। अच्छा सर, अगर मेरा, अगर मेरी इनकम 100 है और कंजप्शन भी, कंजप्शन भी 100 है, तो बताना आंसर क्या आएगा? 200। अरे सर जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा। अरे यहां भी 100, यहां भी 100 प्लस एस, एस जीरो, तो इसका मतलब सेविंग क्या है मेरी? जीरो जीरो। अरे बता नहीं बोले कि वो एक इनकम अगर मेरी 100 है, अरे देखो ना, इनकम मेरी 100 है और कंजप्शन मेरा 80 है, तो सेविंग कितना होगा? 20। बिना किसी सोच समझे मैं आंसर निकाल दूंगा। आगे सर, अगर मेरी इनकम 100 है और कंजप्शन 0 है, सर हो ही सकता? अरे हो गया ना यार, सारे पैसे बचा लिए। अरे सर नहीं हो सकता, कंजप्शन 0 थोड़ी हो सकता। मैंने कल दी, नहीं हो सकता सर। भूखे देख, मैंने तुम आगे बढ़ा, मुझे पता नहीं हो सकती, लेकिन अभी के लिए बता दो हाइपोथेटिकल, बताओ तो क्या होगा? सारा का सारा 100। सर मुझे बात समझ में आ गई। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पक्का समझ आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखा मैडम, देखा डिवाइड, डिवाइड अबव इक्वेशन, मैं ऊपर वाले इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं किससे? बाय वाई से करना जरा, तो क्या बनेगा? वाई अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन, वन सी अपॉन वाई इक्वल टू एपीसी, एपीसी एस अपॉन वाई इक्वल टू ए पी एस। ओहो सर आपने तो प्रूव भी कर दिया, अरे मेरा काम ही एकदम एक चीज और समझ लो फिर नोट कर देता हूँ। सर एक बात बता, एक बात बता, सोच के, अगर यहाँ पे डेल्टा पाई हो और तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा सी, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा एस। अब अगर मैं सेम में यहाँ पे लिखूं इक्वेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो बताना कंक्लूडिंग इवेंट क्या है? बस ऐसे ही बच्चों की तलाश में था, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, 100 कहीं नहीं गए बेटा। प्रैक्टिकल सारे खत्म, चलो बाय। अब देखो जी, जो मैंने आपको करवाया ना कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन वगैरह, उसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा। क्या कह रहा है? कह रहा सर ये है इक्वेशन, वो नहीं भी लिखता तो भी अपने को आता था भी इक्वेशन, लेकिन उसने लिख दिया, उसको ऐसा लगता होगा कि जो बच्चा एग्जाम में बैठा वो हमारे यहां से नहीं पढ़ा, इसलिए उसको फॉर्मूला नहीं पता होगा, लेकिन आपको आता है। अब आगे क्या कहता है? कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब वो ये बार सी पूछ रहा है या ये बड़ा वाला सी पूछ रहा है? बड़ा वाला सी पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे पूरा इक्वेशन करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला? बोला एट द इनकम लेवल ऑफ 500। तो सर जब मैं सॉल्यूशन करने लग जाऊंगा तो मुझे यहां पे वाई तो मिल गया कितना, बोलो ना? 500 करोड़। बोला इफ ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 40 करोड़, तो सर मुझे ये भी मिल गया, बार सी कितना? 40 करोड़। अच्छा सर एक मिनट, अब इक्वेशन में जरा देखिए, अपने को चाहिए क्या इक्वेशन देखे, अपने को चाहिए क्या सर? इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को बार सी चाहिए था। अरे देखो ना, बार सी मिल गया, देख ले रहे हो, उठा के फेंक दूंगा, बार सी मिल गया, फिर क्या चाहिए था अपने को? वाई। सर वाई भी मिल गया, अब क्या चाहिए? बीपीसी। अरे बी क्या होता है? एमपीसी। सर बी होता है एमपीसी, यही तो होता है। अरे बोलो ना, हाँ सर ये एमपीसी होता है अभी, लेकिन इन्होंने क्या दिया? 40% एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एक मिनट, मुझे बताना जरा सोच के, अगर आपके 98% मार्क्स आ गए तो कितने परसेंट मार्क्स कट गए? 2%। तो अगर आपने अपनी इनकम का 40% सेव कर लिया है तो कितना परसेंट आपने खर्च किया? 60। इसको सोचने में भी टाइम लग रहा है, कभी कभी मुझे मन करता है मैं चापा कल में कूद के जान दे दूं। 40% एडिशनल इनकम इज सेव, तो इसका मतलब कितना खर्च कर दिया? 60%। सर इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? एमपी, एमपी एस कर लिया उसने 40%, तो सर इसका मतलब एमपीसी कितना होगा? 60%। डन। तो सर मुझे वो भी मिल गया। सर तो वो हमें अपने इनकम का नहीं निकालना था। एक मिनट मैडम, देखो फिर गलती कर जाओगे। वो कह रहा है कि उसको थोड़ी ना पता है इनकम कितनी है, वो तो एक आपको सिचुएशन दे रहा है कि 40% एडिशनल इनकम आप सेव करते हो।
लेकिन इनकम गिवन है ना, इनकम लेवल ऑफ 500 वो मुझसे, मुझे उससे कंजप्शन निकालना है बेटा, 340 मुझे उससे कंजप्शन निकालना है। आप कहेंगे 40% इनकम का निकाल दूंगी तो वो तो सेविंग निकल जाएगी ना, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंजप्शन चाहिए ना, तो कंजप्शन कितना है 60% ना। अरे आप ऐसे भी समझो कौन बेटा फोन करा, दीदी मैं बात नहीं कर सकता, बोला तो अभी क्लास में हो। आओ देखो मैडम, मैंने क्या अभी आपको ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, मुझे बताना। अरे इधर देखो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अरे ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? और ये जो 40% है ये क्या है? एडिशनल इनकम इज सेव्ड का मतलब एमपीसी है एमपीएस, एमपीएस तो एमपीएस कितना हुआ 40% इक्वल्स टू 1 प्लस एमपीसी। अब बताओ एमपीसी कितना आएगा सर? एमपीसी कितना आएगा? 60। तो मैंने यहां से ऐसे इक्वेशन से निकाला है। नलायक मैडम हट, आज हम उस इक्वेशन को पुट करें। इक्वेशन क्या है? सी प्लस सी इक्वल्स टू बार सी प्लस बी वाई। अब बार सी कितना था बेटा? 40। बी कितना था? बी कितना आया? 60। वो मैं क्या 0.6 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते। तो सर मैंने इसको लिख दिया 0.6 और इनकम कितनी बेटा? 500 करोड़। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आता है? 40 प्लस 300 करोड़। तो टोटल कितना आ गया? 340 करोड़। बताओ जी इतना इजी क्वेश्चन बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी मिलेगा और आप कह दोगे। अगर आपको देखना है कि सर ऐसा क्वेश्चन मुझे आता है नहीं आता, इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में कब का 22-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, जाओ उसको सॉल्व करो। डन, चलो बंद करो। देखो जी कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी हमने किया था कंजप्शन फंक्शन का, अभी देखो वो क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग का फंक्शन दिया उन्होंने, कंजप्शन का फंक्शन नहीं दिया। ये सेविंग का तो फॉर्मूला नहीं से लग नहीं रहा। अभी ठीक से देखो, देखो अभी लगेगा। अच्छा इसको देखो, एस इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? माइनस सी बार सी या सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। क्या ये था फॉर्मूला? अरे बोलो ना। हाँ या हाँ जी सर, आगे तो सर इसने यही लिखा हुआ। हाँ यही है, अगर बोल रहे हैं ना सेविंग फंक्शन तो यही है। आगे क्या बोला? कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ 1000 करोड़। ओके सर एक मिनट, उसने ना उसने दिया सेविंग फंक्शन, उसने दिया क्या है? सेविंग फंक्शन। अब पूछ क्या है? कंजप्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये होता है। अब सर देखो इसमें मुझे मिल क्या गया? सर इसमें ना सी बार है, तो सर मुझे सी बार जो मिल गया कितना? 20 मिल गया। अब वो 20 है तो सर 20 करोड़ है, क्योंकि इनकम अगर करोड़ में। अच्छा सर इसमें मुझे वाई भी मिल गई क्या? हाँ जी सर वाई भी मिल गई। वाई कितनी है? 1000। अरे वाई मिल गई सर 1000 करोड़। अब एक बात बताओ, कंजप्शन फंक्शन को निकालने के लिए, कंजप्शन फंक्शन को निकालने के लिए ये तीन चीजें चाहिए होती है। अब तीन में से दो चीजें तो है अपने पास, सी बार और इनकम। सर बी नहीं है, बी नहीं है, लेकिन अगर मैं ठीक से देखू तो उन्होंने बी भी दिया है। देखो देखो सर देखो ऐसे देखो ऐसे देखो, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 0.3। लेकिन सर फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या होना चाहिए? 1 माइनस बी। सर फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए 1 माइनस बी। इसको तो सॉल्व कर ले। अरे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 0.3 का मतलब क्या होना चाहिए? 1 माइनस बी। जरा इसको सॉल्व करना तो इधर आ जाएगा, बी माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया, और ये यहाँ प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.3। तो कितना हो गया? 0.7। लो जी हो गया, हमें बी भी मिल गया, अब से सॉल्व हो जाएगा। अरे बिंदास होगा। देखो C equals to 20 plus 0.7 into 1000। कितना है जी? 720 करोड़। हमारे बैच में निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप अभी तक किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे थे। अच्छा मेरे से पढ़ रहे थे। थैंक यू। मैंने कुछ अलग निकाल पाया आंसर से। चलो इसका नोट करो बेटा, वीडियो ऑफ करो।